तो वर्लपूल की पीसीबी, और इसमें ये दो पॉइंट जो है हीटर के लिए है, और इसमें यहाँ पे और यहाँ पे मेन सप्लाई एक इस तरफ और इस तरफ मेन सप्लाई इसमें है। और इसमें आ जाते हैं तो इसमें कॉमन है, ये मोटर एक तरफ घूमेगी या दूसरी तरफ की है, और ये जो है ड्रेन का है, और ये एनसी है, कुछ नहीं है। और ये दोनों पॉइंट इसमें सेंसर का, जो हीटर का जो सेंसर लगेगा पानी गर्म करने वाला, उसका ये सेंसर है। और इस तरफ आ जाते हैं तो इनलेट वाल इस तरफ, इस वाले पॉइंट में ये इनलेट वाल का है और एक कॉमन रहेगा, तो इनलेट वाल हो गया। और ये तीन पॉइंट में से ये वाला पॉइंट और ये इधर का दोनों डोर स्विच हो गए, और ये जो है प्रेशर सेंसर का, ये वाला प्रेशर सेंसर का है। तो इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो पहला वाला मोटर का है घुमाने वाला, वो इस तरफ का ट्रैक है, और सेकंड वाला इस तरफ वाला है, मतलब जो सेकंड वाला रेड वाला वायर है वो इधर का है, और यह दूसरा वाला इस तरफ का है। तो और इसकी वायरिंग मेरे पास है, मंगाया हूँ। तो अब ये दो पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने एक 8K का एक सेंसर लगा दिया है, जो जब भी हम हीटर चालू करना चाहें तो उसके समय एरर ना दे। और ये मोटर की कनेक्शन अब भी ये कंप्लीट हुआ। अगर आपके पास भी ज़्यादा काम रहे तो ऐसा बना लेना, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब भी ये मैं इसका मैं अभी कर दिया, पूरा कनेक्शन इसमें बना लिया। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी पीसीबी आएगी तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और ये कनेक्शन कंप्लीट इसमें कर लिया। बस इसके ऊपर नाम डालना रहेगा कि कौन सी कंपनी का है। 24 कनेक्शन है, तो आप इसमें माइक्रोवेव कोई भी सिस्टम आप इसमें चेक कर सकते हैं, जिसमें रिले वगैरह हो ऑन कराना है, ट्रैक वगैरह चेक करना है। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, मेरे समझ से 70-80 रुपये का पड़ता है, तो उस हिसाब से हम तो मंगा के रखे हैं, एक एक करके जो है लगाते जाते हैं।